हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद होमवर्क क्वेश्चन। दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्या था? लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और न्यूमरेटर में हमारा लिखा है 1 रेस टू पावर 4 प्लस 2 रेस टू पावर 4 प्लस 3 रेस टू पावर 4 टिल n रेस टू पावर 4, मतलब फोर्थ पावर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और डिनोमिनेटर में n रेस टू पावर 5। तो मैंने ये बोला था तुम लोगों को कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, दैट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सीक्वेंस सीरीज चैप्टर। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं या फिर हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं इसका एक बार, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो कैसे स्टार्ट किया था हमने, जैसे सुनना, अगर मान लो मुझे स्क्वायर वाला करना है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाला प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैंने क्या हेल्प लिया था, देखना ध्यान से बच्चों, इसके लिए लिया था मैंने एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 का क्यूब। अगर मुझे क्यूब वाला करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब वगैरह, तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, एन की पावर 4 माइनस एन माइनस 1 की पावर 4। अब मुझे 4 पावर लेना है तो मैं क्या करूंगा, इससे एक पावर हायर लूंगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, और इवन मेरे को पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैसे वो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। हालांकि डेरिवेशन भी तुम देन एंड देयर यू कैन ड्राइव इफ इट केम इन लिमिट, बिकॉज अभी मैं बताऊंगा कि हमें पूरा सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या मतलब है, जब जो न्यूमरेटर में आएगा ना, दैट विल बी 5 डिग्री पॉलीनोमियल, उसमें हमें एन की पावर 5 का कोफिशिएंट से मतलब है, ठीक है ना। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि वही डोमिनेटिंग है। तो देखना मैंने क्या लिखा, n की पावर 5 माइनस n माइनस 1 की पावर 5। सो व्हाट यू विल गेट, देखना इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, दिस इज x माइनस 1 रेस टू पावर n, तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएंगे। तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, n की पावर 5 माइनस 5 सी 0 व्हिच इज 1 इनटू n की पावर 5, फिर नेगेटिव साइन, फिर 5 सी 1 5, और एक एक पावर डिक्रीज होता जाएगा, प्लस 5c2 इज 10, तो 10 n क्यूब माइनस 5c3 व्हिच इज अगेन 10 n रेज टू पावर 4, सॉरी n स्क्वायर, हां देन 5c4 व्हिच इज 5c1 दैट इज 5, तो प्लस 5n एंड लास्टली माइनस 1। तो दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैंने इसको सबट्रैक्ट किया तो मेरा क्या बना, n की पावर 5 से n की पावर 5 कैंसिल, तो यहां से बनेगा 5n रेज टू पावर 4 माइनस 10 एन क्यूब प्लस 10 एन स्क्वायर माइनस 5 एन प्लस 1। दिस इज व्हाट माय एन की पावर 5 माइनस एन माइनस 1 की रेस टू पावर 5, ठीक है। चलो अब क्या कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं वैल्यूज रखना एन की। तो आई विल स्टार्ट विद 1, तो मैंने एन इज इक्वल टू 1 रखा इस वाले में, तो इधर इधर मुझे क्या मिलेगा, 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5 इज इक्वल टू, इधर रखेंगे तो 1 इंटू 1 की पावर 4। मैं सिंप्लीफाई करके नहीं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट एज इट इज, जस्ट मैं n की जगह 1 रख रहा हूं, आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग इट। तो ये हो गया माइनस 10 1 क्यूब प्लस 10 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। नाउ आई विल पुट n इज इक्वल टू 2, तो व्हाट यू विल गेट, 2 रेज टू पावर 5, एंड हियर यू विल गेट 1 रेज टू पावर 5। वैसे मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, डिफरेंस मेथड है बेसिकली, दिस इज vn, दिस इज vn माइनस 1, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इधर। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 10 इंटू 2 रेज टू क्यूब प्लस 10 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1। सो ऐसे रखते जाएंगे हम, तो लास्टली हम वैल्यू क्या रखेंगे, n रखेंगे, जब n की जगह n रखेंगे तो बेसिकली यही चीज लिखी है इधर, क्या होगा, n की पावर 5 माइनस n माइनस 1 की पावर 5, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू n की पावर 4 माइनस 10 इंटू n क्यूब प्लस 10 इंटू n स्क्वायर माइनस 5 इंटू n प्लस 1। नाउ आई विल ऐड अप ऑल द इक्वेशंस, तो इधर क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये सब टर्म कैंसिल होते जाएंगे ऐसे, तो ये वाला n माइनस 1 इसके पहले वाले से कैंसिल होगा, तो RHS में मुझे क्या मिलेगा, n की पावर 5 और माइनस 0 की पावर 5 व्हिच इज 0, तो उसको नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, अब देखना इधर, इधर मेरा 5 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड सीरीज, तो लेट्स से मैंने रिक्वायर्ड सीरीज को इसको लेट्स से x बोल दिया, तो क्या आ रहा है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, तो इधर मेरा x है, x इज व्हाट माय आंसर। फिर मैंने लिखा माइनस 10, अब देखना, और अगेन मैं बोल रहा हूं कि अब मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा फाइनली, क्यों नहीं करूंगा, द रीजन इज आई वांट कोफिशिएंट ऑफ n की पावर 5 इन दिस, मुझे केवल कोफिशिएंट से मतलब है, पूरे आंसर से मतलब नहीं है। अब देखना इधर क्या आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन, दैट इज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या होता है, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, तो n into n plus 1 by 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 10 into, वैसे इवन मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है अभी, देखो फिर भी लिख लेते हैं, चलो एक बार के लिए, तो ये हो गया n into n plus 1 into
2n plus 1 by 6 और माइनस 5 1 plus 2 plus 3 n into n plus 1 by 2. हमें एग्जाम में इतना नहीं करना है, ठीक है ना? क्यों नहीं करना है? द रीजन इज, यहां तक तुम देखो, नोटिस करो, यहां तक जो टर्म है ये मैक्सिमम कितना डिग्री है? 4, इधर आएगा 4 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. क्योंकि अब ये सब टर्म इधर लेके जाऊंगा तो मेरा x क्या आएगा फाइनली? n की पावर 5. अब मैं क्या कर रहा हूं, x की x का कोएफिशिएंट 1 बना रहा हूं, तो बेसिकली 5 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं पूरे इसको, तो ये भी पूरा डिवाइड हो गया 5 से, ये भी पूरा 5 से डिवाइड हो गया. ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला n की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या आएगा. देखो इनमें तो कोई n की पावर 5 है ही नहीं, अभी बोला मैंने इधर n की पावर 4 है, इधर n क्यूब है, तो बेसिकली n की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आ गया? 1/5. ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो ये जो एक्सप्रेशन है ऐसा रिड्यूस हो रहा है, n की पावर 5 into 1/5 plus some constant into n की पावर 4 plus some constant into n cube and so on divided by n की पावर 5. अब मुझे पता है n इंफिनिटी को जा रहा है, तो जो इफेक्टिव डिग्री है न्यूमरेटर का दैट इज n रेज टू पावर 5, तो ये सब नेगलेक्ट हो गए, तो वी आर लेफ्ट आउट विद 1/5. तो कहने का मतलब मेरा ये था अभी कि एक तो तुम्हें प्रोसीजर पता होना चाहिए, एंड दूसरी बात हमें तो एग्जाम में टाइम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, इसलिए लिया ये क्वेश्चन. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट होगा क्वेश्चन, वो भी काफी आसान था, थोड़ा फास्ट डिस्कस करते हैं. देखो क्या था हमारा, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on till n into n plus 1 whole divided by n cube. तो इसको करते हैं, तो जो मेरा सीरीज लिखा है, मैं न्यूमरेटर को निकालना है, न्यूमरेटर का सिग्मा निकाल देता हूं, तो मैंने न्यूमरेटर का जनरल टर्म लिखा टी आर, न्यूमरेटर का जनरल टर्म मैं लिखूंगा आर इंटू आर प्लस वन और सिग्मा टी आर कर दूंगा तो मेरा सम आ जाएगा, दैट इज न्यूमरेटर आ जाएगा, और आर कहां से वेरी करेगा, 1 to n, n टर्म से, क्योंकि 1 2 3 पहला पार्ट देखो तो n तक आ रहा है, तो ये क्या हो गया सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर. अगेन सिग्मा जो आर है उससे मुझे मतलब नहीं होगा, वाय, क्योंकि इससे मेरा एन स्क्वायर टाइप के टर्म आएगा, एन क्यूब तो आएगा नहीं, तो इसका तो कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, यूज है इसका. इसमें आप देख लेते हैं हम एन क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आता है, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स. अब देख लो इसमें एन क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2/6 विच इज 1/3, दैट मस्ट बी माय आंसर. क्लियर है बच्चों, तो इतना फास्ट होना चाहिए हम लोगों का ये. ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अब नया क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास के लिए. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखना, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, देखना, हालांकि है बहुत इजी, बट इसमें मुझे एक चीज तुम लोगों को थोड़ा सा नोटिस कराना है, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे लोग गलती करते हैं, तुम वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, 1 square plus 3 square plus एंड सो ऑन टिल 16n square होल डिवाइडेड बाय 1 plus 2 plus 3 plus and so on till 7n into 2n plus 5. तो अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो. अब मैं लेता हूं इसको, देखना ध्यान से. सबसे पहला नोटिस करने वाली बात क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होती हैं, बट टर्म्स कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या बोला मैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखो इस न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा आर स्क्वायर, वेयर माय आर गोज फ्रॉम 1 रखा तो 1 स्क्वायर आया, 2 रखा 2 स्क्वायर आया, ऐसा मैं आर क्या रखूं कि 16n स्क्वायर आ जाए, 4n, क्योंकि 4n रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 16n स्क्वायर ना, इसका मतलब न्यूमरेटर में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4n टर्म्स हैं. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. जैसे मेरा डिनोमिनेटर में इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, इसमें तो 1 2 3 है तो 7n दिख रहा है, तो इसमें तो 7n टर्म्स हैं, 7n टर्म्स. इसमें बच्चों को जनरली गलती हो जाती है, वो जल्दी जल्दी में n ही ले लेते हैं, बट n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है न्यूमरेटर में, दे आर 4n, नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मुझे पता है, बस मैं n की जगह क्या रखूंगा उस फॉर्मूले में, 4n रख दूंगा, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वैसे क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6 होता है, बट इधर मुझे n की जगह क्या रखना है, 4n, क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स 4n है, तो मैं इसमें n की जगह 4n रख देता हूं हर जगह. तो देखना ये हो गया 4n, ये हो गया 4n और ये हो गया 8, करेक्ट है. अब आते हैं नीचे,
अब इधर 7n है तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। बट मुझे n नहीं लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7, तो n की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा 7 से, सो हियर यू विल गेट 7n, हियर यू विल गेट 7n, और ये एक और टर्म से मल्टीप्लाइड है 2n प्लस 5 से। अब देखो न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, और अगेन कीप इन माइंड कि जो इधर n नहीं इधर x नहीं n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जस्ट अब ये देख लो कि न्यूमरेटर का इफेक्टिव डिग्री क्या है, n क्यूब, डिनोमिनेटर का भी n क्यूब है, तो बस उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इज माय आंसर। तो उधर ऊपर देखने क्या आ रहा है n क्यूब का क्वेश्चन, जब ये 4n इस 4n से मल्टीप्लाई होगा और वो 8n से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 4 × 4 × 8, और ये डिनोमिनेटर में ये वाला 6 लिखा है, ये हो गया न्यूमरेटर में एन क्यूब का कोफिशियंट, और डिनोमिनेटर में एन क्यूब का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, ये 7n, जब इस 7n से मल्टीप्लाई हो और वो 2n से मल्टीप्लाई हो, तो 7 × 7 × 2, और डिनोमिनेटर में एक 2 लिखा है, तो दिस इज माय आंसर दैट यू कैन सिंप्लीफाई इट। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कीप दैट इन माइंड कि जल्दी जल्दी में हमें किसी कोई सीरीज दी है तो हमने ऐसा नहीं एन ले लिए टर्म्स, यू हैव टू सी कि लास्ट टर्म क्या है, That will decide कि number of terms कितने हैं सीरीज में, ठीक है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखना, अब मैंने लिखा है एक क्वेश्चन, देखना लिमिट, चलो एक पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस एंड सो ऑन 1/n × n-1, ठीक है। सो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। तो अब मैं बता रहा हूं इसको, तो देखो इसके लिए इफ यू नोटिस इट क्लियर, ये वैसे ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन इसमें क्या बोलते हैं अपना लिमिट तो कम है, सीक्वेंस सीरीज का ज्यादा है, और सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में लिया है। क्या करते हैं हम इसको, इसको क्या लिखते हैं 1 − 1/2, फिर इसको क्या लिखते हैं प्लस 1/2 − 1/3 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1/3 − 1/4 एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन, दिस विल बी 1/n − 1/(n−1), ठीक है। अब देख रहे हो ये कैंसिल होते जा रहे हैं टर्म्स, मतलब पहले टर्म का दूसरा और दूसरे टर्म का पहला पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला n इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मुझे सम कितना मिला, लिमिट तो मैं बाद में लगा रहा हूं, सम ऑफ n टर्म्स कितना मिला 1 − 1/(n−1), बट मुझे तो क्या बोला है n टेंड टू इंफिनिटी, तो अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो ये मेरा जीरो को जाएगा, सो आंसर इज 1। तो सोचो क्वेश्चन दिखने में कितना बल्कि लग रहा है और है कितना इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? सो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हो गए हमारे, सीक्वेंस सीरीज और लिमिट्स के मिक्सअप क्वेश्चन हो गए। अब एक और लिखते हैं हम, अब देखना मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट सेम कैटेगरी का, सेम कैटेगरी, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा इसलिए मैं एक जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस एंड सो ऑन 1/2n + 1 × 2n + 3, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो अगेन पॉज द वीडियो एंड एक बार ट्राई करो खुद से, मतलब एक लेवल उससे ऊपर है, वैसे है ऑलमोस्ट सेम ही, थोड़ा सा उससे बेटर है ऑफ कोर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, हाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज में, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखो फोकस ऑन 1, 3, 5, इसमें लास्ट टर्म इस सीरीज में 2n + 1 है, ठीक है। तो अगर मैंने इस 1 के रिस्पेक्ट में अगर इसका जनरल टर्म लिखता तो क्या लिखता, 2r + 1 वेयर माय r गोज फ्रॉम 0 to n, हियर 0 विल कम, मैं बोल रहा हूं केवल 1 के रिस्पेक्ट में मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं जस्ट टू सी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 है, तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स आर n + 1, क्लियर है बात? अच्छा चलो अब इससे पहले वाले की तरह करते हैं, तो देखो इस 1/1 × 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 − 1/3 लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, ये और ये दोनों बराबर थोड़ी, अभी ये क्या होगा 2/3 ना, तो इसको बराबर करने के लिए क्या किया 1/2 से डिवाइड कर दिया, अब बराबर है, इसलिए मैंने बोला तो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बोल सकता हूं मैं। उसके बाद
प्लस अब इसको अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 माइनस 1/5 अगेन 2 आ जाए, इसको बराबर करने के लिए क्या करूं 1/2 से डिवाइड कर देता हूं, प्लस 1/5 माइनस 1/7 बराबर करने के लिए दोबारा 1/2 से डिवाइड कर दिया, फिर सो एन लास्टली क्या जाएगा 1/2 टाइम्स क्या जाएगा 1/2n+1 माइनस 1/2n+3। क्लियर है बच्चों? अब क्या करूं, पहले मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं, सो हाफ अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखो 1 - 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस एंड सो ऑन, हियर इट विल कम 1/2n+1 माइनस 1/2n+3। क्लियर है? अब पहले की तरह हो गया हमारा, अब क्या हो रहा है देखो, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला टर्म इसके पहले वाले से कैंसिल होगा, तो अब मेरे को पहले मैंने लिखा सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया 1/2 टाइम्स 1 - 1/2n+3। अब मैं लिमिट ले लेता हूं, अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो मेरा 1/2n+3 कहां जाएगा, दिस विल टेंड टुवर्ड्स 0, सो आंसर कितना हो गया हाफ इंटू 1, दैट इज हाफ। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? चलो अच्छा, अब वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब देखना और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा मुझे और प्रैक्टिस करवाना था इसलिए ले रहा हूं मैं। अब सुनना, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा तुम्हें, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+2+3+4 एंड सो ऑन टिल n अपॉन n स्क्वायर। कोई बोलेगा सर इससे तो टफ लेवल के हम कर ही चुके, तो अभी ये क्यों दिया, तो मैंने इसका आंसर लाने के लिए नहीं दिया, ठीक है। एक तो तरीका जो तुम आंसर लेके आओगे वो तो ऑफकोर्स सभी लोग तुम लोग सही करोगे, जनरल प्रोसीजर क्या होगा, चलो एक बार जनरल प्रोसीजर क्या होगा इसको सॉल्व करने का, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1/2 और नीचे एन स्क्वायर, तो ये तो चुटकियों में आंसर आ गया, एन स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है ऊपर हाफ और नीचे वन है, तो हाफ डिवाइड बाय वन आंसर इज हाफ, यहां तक तो कोई कलाकार ही नहीं। अब मैंने दिया मकसद क्या है मेरा ये देने का, देखो अब मैंने तुमसे ही पूछा कि क्या मैं ऊपर वाले टर्म को, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लूं, देखना मैंने क्या किया सेपरेट कर दिया 1/n² + 2/n² + 3/n² + एंड सो ऑन लास्टली विल गेट n/n² मतलब 1/n। अभी सुनना ध्यान से, तुम्हें बताना है इसमें गलती क्या है, अभी तक कोई गलती नहीं है, एट प्रेजेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100% लिख सकता हूं। अब देखना, अब मैंने क्या किया, लिमिट अगर n इंफिनिटी को जा रहा है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, देखना मैंने बोला अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो ये टर्म कहां जाएगा 0 को, ऑफ कोर्स सिमिलरली ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा एंड सो ऑन सभी 0 को जाएंगे, तो 0+0+0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। अब इससे जो पहले मेथड किया था हमने, जो एक्चुअल प्रॉपर मेथड था उससे तो मेरा क्या आया था हाफ आया था, और इससे मेरा 0 आया, उससे क्या मेरा आया था हाफ, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है इसमें। सो अब वीडियो पॉज करो फाइनली और सोचो कि इसमें मिस्टेक क्या है, मैं तो अभी डिस्कस करूंगा ही, क्या बोला जस्ट थोड़ा सोचो कि इसमें मैंने मिस्टेक कहां किया है, इस स्टेप को इस स्टेप लिखना इज बिल्कुल करेक्ट, जो मैंने लिखा था सेपरेट करना दैट इज वैलिड, बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है, बट ये 0 लिखना इज इनवैलिड, द रीजन हमें सोचना है पहले, ठीक है। सो आई होप पॉज कर दिया होगा अब और सोचने भी लगे होंगे, अब मैं इसको बता रहा हूं, सो सुनना द रीजन इज ये करेक्ट है कि ये 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, बट द सम इज नॉट 0, द रीजन इज जो टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट। देखो जब हम लिखते थे ना 0+0+0 तब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते थे, बट इसमें क्या है कि जो लिमिटिंग वेरिएबल है ना उसके कारण मेरे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रहे हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो अप्रोचिंग इज नॉट जीरो। क्लियर है? समझ में आया? मैंने कहा ठीक है ये 0 को जा रहा है, ये भी बहुत छोटा होगा, ये भी बहुत छोटा होगा, लेकिन ये बहुत छोटे 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 इनफाइनाइट बार एक कॉन्स्टेंट बना सकते हैं, वो बना भी रहे हैं, विच इज हाफ। समझ में आया? अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते तब मैं बोलता आंसर इज 0 100%, बट एज द नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट इनफाइनाइट इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल, लिमिटिंग वेरिएबल के कारण क्या हो रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो रहे हैं, हैज वी कैन नॉट सेपरेट आउट द टर्म्स। तो इसको लिख लो एज ए इसी नोट फॉर्म में लिख लो कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल, प्रॉपर लिखो क्या लिखा मैंने, बोला चलो लिख ही देता हूं, मैंने कहा इफ
नंबर ऑफ टर्म्स आर अप्रोचिंग इनफाइनाइट या इंफिनिटी because of limiting variable then do not separate out the terms. क्लियर है बच्चों? क्या बोला मैं, क्या बोलना चाह रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तब मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता, तब मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एक टर्म जीरो को जा रहा है, देयरफॉर सम इज जीरो। क्लियर है? अच्छा रीजन भी लिख लो, रीजन क्या लिखोगे? इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर अप्रोचिंग इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ लिमिटिंग वेरिएबल देन डू नॉट, पहले तो लिख लो देन डू नॉट सेपरेट आउट द टर्म्स, देन डू नॉट सेपरेट आउट, डू नॉट सेपरेट आउट द टर्म्स, द टर्म्स, द रीजन इज, द रीजन इज द सम ऑफ इनफाइनाइटली अप्रोचिंग जीरोस, लिख लो, द रीजन इज द सम ऑफ इनफाइनाइटली जीरो अप्रोचिंग टर्म्स, इनफाइनाइटली जीरो अप्रोचिंग टर्म्स, क्योंकि सारी टर्म्स जीरो अप्रोचिंग है, बट वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इनफाइनाइटली जीरो अप्रोचिंग टर्म्स कैन बी फाइनाइट, इट इज नॉट नेसेसरी जीरो। क्या बोला, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट होती ना तब मैं जीरो लिखता, बट एज द नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड्स ऑन अ लिमिटिंग वेरिएबल हैंस आई कैन नॉट से कि सम ऑफ द इनफाइनाइट जीरो इज जीरो, दैट कैन बी अ फाइनाइट नंबर, हो भी रहा है, दैट इज हाफ। ये मकसद था मेरा इसको बताने का, ठीक है ना? तो कभी भी ऐसे टर्म्स आए तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन पे डिपेंड कर रहा है जो हमारा लिमिटिंग वेरिएबल है और अगर वो इन्फिनिटी को जा रहा है तो हम ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे जैसे हमने अभी सीखा। चलो अब और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो तुम लोग। हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखना। देखो एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, यू हैव टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। तो देखना, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, कभी भी स्क्वायर रूट दिखाई दे तो यू शुड थिंक ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम ये तो देख लेते कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। कि अगर नहीं है तो फिर तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो देखा इधर, ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो क्या करें, हम रैशनलाइजेशन से रूट हटाते हैं। तो रैशनलाइज किया तो मैंने इसी के प्लस से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे मेरा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, चलो इधर लिख रहा हूँ साइड में थोड़ा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है? चलो अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसी स्टेप पे लिख रहा हूँ, मतलब रब करके, यू हैव टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो देखना, ये हटा रहा हूं मैं, दिस स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट हटेगा माइनस दिस स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट हटेगा। ठीक है, तो फाइनली यू विल गेट, ये इससे कैंसिल, वन इससे कैंसिल। अब इस ये पूरा न्यूमरेटर मेरा एक्स हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें? तो देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, वैसे प्रॉपर प्रोसीजर कैसे सोच सकते हैं, चलो मैंने बोला, बहुत से बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि इसका इफेक्टिव डिग्री क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था एक्चुअली ना, मैंने बोला इसका इफेक्टिव डिग्री एक्स स्क्वायर है, उसका अंडर रूट क्या है, एक्स है। तो अगर मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके एक्स लिखा तो वेल एंड गुड, इसको लिखा तो भी करेक्ट है। अब मैंने बोला x अपॉन टू एक्स विच इज हाफ, तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब मैंने बोला हम एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, ये तो हम अप्रोक्सीमेशन से यूज कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, कल मैंने बताया था जब x इंफिनिटी को जा रहा है तो हम कैसे करते हैं, जो पावर होता है ना मैक्सिम, जो एक्सपोनेंट होता है उससे डिवाइड करते हुए। तो इधर मैं क्या करूंगा,
ऐसे बोल दो कि x से डिवाइड किया ऊपर नीचे, या फिर ऐसे बोल दो इस x को मैं इसके अंदर लेके गया। तो देखो मैं इस x को इसके अंदर लेके जा, चलो एक काम करते हैं इसमें से x बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर तो x लिखा है और नीचे से मैंने इसमें से अगर x बाहर लूंगा, x स्क्वायर बाहर लूंगा, तो बाहर x बन के आएगा, तो मैं x बाहर लिख रहा हूँ। पहले अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, क्या ये मेरा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? द रीजन इज ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो ये रूट 1 विच इज 1 प्लस दिस इज ऑल्सो रूट 1 दैट इज 1, तो रूट 1 प्लस रूट 1 इज 2। रूट 2 मत बोल देना जल्दी जल्दी में, रूट 1 प्लस रूट 1 इज 2 नॉट रूट 2, तो आंसर इज 1 बाई 2। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है? ये तुम्हें निकालना है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी का। मुझे एक नोट लिखवाना है इसके आधार पे, सुनना ध्यान से। जैसे कि मैंने उसको एक्सप्लेन करते वक्त तो मैं बोला था कि हम वो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो अगर मान लो तुमने इधर भी वही चीज यूज की, दैट इज इफेक्टिव डिग्री, तो इसका इफेक्टिव डिग्री क्या बोलोगे तुम? इधर हमारा डोमिनेटिंग क्या x स्क्वायर, तो उसका इफेक्टिव मतलब ये दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे, इधर से क्या आएगा x और इधर से मेरा क्या आएगा, इधर भी x बचेगा, तो x माइनस x जीरो, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। द रीजन इज अगर हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, इफेक्टिव डिग्री अगर कैंसिल हो रही है देन वी कैन नॉट यूज अप्रोक्सीमेशन। लिख लो पहले इधर, उसके बाद में मेथड डिस्कस करते हैं। मैंने बोला इफ इफेक्टिव डिग्री इज कैंसिल्ड आउट इन सम फॉर्म SOM, SOME नहीं, इन सम फॉर्म, सम फॉर्म, देन डू नॉट यूज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से मेरा मतलब क्या है? डोमिनेटिंग वाला। तो करें तो कैसे करें? जैसे इससे पहले किया था, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो इसको रैशनलाइज किया तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा, x माइनस 3x विच विल बी माइनस 2x और 4 माइनस 1 विच इज 3, और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करें, जैसे पहले किया था ऐसे बोल दो कि ऊपर और नीचे दोनों से x को डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 बाय x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय x प्लस 4 बाय x स्क्वायर, और इधर आया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 बाय x प्लस 1 बाय x स्क्वायर। तो अगर अब x इंफिनिटी हो जा रहा है तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं। अब तो हमें आंसर मिल गया, तो ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ 1। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं तुमको, सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो द क्वेश्चन इज लिमिट, अच्छा एक मिनट, इसके आधार पे एक नोट लिखवा दूंगा, उसके बाद हम इसको करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है? दिस विल बी योर क्वेश्चन। अब सुनना, पहले मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो जब मैंने लिमिट स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें LHL और RHL बताया था, तो उधर मैंने बोला था जैसे हमें a पे निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। फिर मैंने बोला था कि आगे जाके हमें क्या होगा कि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं उसमें क्या है ना, जो वेरिएबल है वो जीरो को जाता है, वो जनरली वेरिएबल को जाता है अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज यूज करने हैं, आगे जाके देखेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जो हम क्या करेंगे ना, जो भी लिमिट का क्वेश्चन होगा अगर उसमें वेरिएबल अगर जीरो को नहीं जा रहा तो हम उसको जीरो के पास लेके आएंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन के पहले एक छोटा सा नोट करके लिख लो, या फिर एज ए हेडिंग भी लिख सकते हो तुम लोग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। तो मैंने लिखा सब्स्टिट्यूशन,
सुनना क्या है सब्स्टिट्यूशन, क्या है फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये तो पहले ही वाली चीज है जो हमने उधर 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 की थी, तो क्या करूंगा मेरे को एक इधर जीरो लेके आना है, लिमिटिंग वेरिएबल जीरो लेके आना है, तो मैं क्या लिखूं, लेट x इज इक्वल टू t प्लस a, वेयर t इज माय न्यू वेरिएबल, अगर x a को जाएगा, अगर ये a को जा रहा है तो t कहां जाएगा, ऐसे लिख लो पहले t इज इक्वल टू x माइनस a, इस फॉर्म में लिख लिया मैंने, अब मैंने बोला अगर x a को जाएगा तो t कहां जाएगा, a माइनस a जीरो को जाएगा, तो मेरा नया वेरिएबल क्या हो गया, लिमिटिंग वेरिएबल t व्हिच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो मेरा ये हो गया लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो f ऑफ t प्लस a, ऐसे याद रखना है, ठीक है, ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज द सेकंड पॉइंट देखना, ध्यान से सुनना, द सेकंड थिंग इज कि अभी जैसे मैंने बोला कि इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड द स्टैंडर्ड लिमिट्स जो है उसमें वेरिएबल जो होता है वो जीरो की तरफ जाता है, तो हमें जीरो की तरफ लेके आना है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया है एफ ऑफ एक्स, अब बताओ खुद से वीडियो पॉज करके सोचो, अब मैं क्या सब्सटीट्यूशन करूं सो दैट जो नया वेरिएबल है ना वो जीरो को अप्रोच करे, नया वेरिएबल शुड अप्रोच जीरो, तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं एक्स को 1 बाय टी क्या लिखूंगा सब्सटीट्यूशन, तो ये सब्सटीट्यूशन याद रखना स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं, क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 बाय टी, अब खुद सोचो, अब इसको पहले ऐसे लिख लो t इज इक्वल टू 1 बाय x, अब मैंने बोला अगर x इंफिनिटी को जा रहा है इधर, x अगर इंफिनिटी को जा रहा है तो t मेरा नया वेरिएबल कहां जाएगा जीरो को, तो मेरा क्या लिमिट किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट t टेंड्स टू जीरो f ऑफ x का x है 1 बाय t, अब मेरा ये नया क्वेश्चन बन गया, अब मेरा उधर नया वेरिएबल क्या हुआ जीरो को जा रहा है, समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं, बेसिकली जो मेरा टारगेट क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो इन मोस्ट ऑफ द मतलब हमारा पहला टारगेट होगा कि जब देखो कोशिश रहेगी, मतलब कहने का मतलब इन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोशिश रहेगी जो नया जो वेरिएबल है ना दैट शुड अप्रोच टूवर्ड जीरो, फॉर दैट वी आर यूजिंग सच सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है। अब थर्ड वाला मैंने बोला अगर एक्स माइनस इंफिनिटी वो होगा तो क्या करें, लिमिट मैंने बोला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड माइनस इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो देखो इधर क्या कर सकते हो, दो बार सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो, पहले तो माइनस इंफिनिटी को पहले इंफिनिटी पे लेके आओ और फिर इंफिनिटी से जीरो लेके आओ यूजिंग दिस, क्या बोला मैंने, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने बोला पहले तो मैं क्या कर रहा हूं एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं माइनस टी से, अगर x माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो मेरा t का जाएगा प्लस इंफिनिटी को, तो मेरा लिमिट किस में कन्वर्ट होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स सॉरी प्लस इंफिनिटी f ऑफ माइनस टी, ये मेरा थर्ड है। अब मैं क्या करूं, मुझे इंफिनिटी पे लेके आना है जीरो पे लेके आना है, तो जो नया वेरिएबल t उसको मैं 1 बाय z ले लेता हूं, तो मेरा z नया वेरिएबल हो जाएगा व्हिच विल टेंड टुवर्ड्स जीरो, तो मैंने लिखा लेट t इज इक्वल टू 1 बाय z, तो इससे क्या हो गया मेरा लिमिट z is approaching towards 0 f of minus 1 by z, तो अब देखो मेरा जो final जो limit निकालना है उसमें मेरा जो limiting variable है that is approaching towards 0 और ये मेरा function हो गया, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने इधर बोला दो substitution लगाए हमने to get the variable tend towards 0, मैं एक से भी काम कर सकता था, मैं क्या करता यही देखो इसी को मैं दूसरे method से बोल रहा हूँ, इसी चीज को इधर इसमें मैं directly क्या करता x को minus 1 by t रख देता या minus 1 by z, तो देखो अगर ये रखता तो मेरा t कितना होता माइनस वन बाय एक्स, अगर अब मेरा x अगर माइनस इंफिनिटी को जाता तो मेरा t क्या आता डायरेक्टली जीरो को आ जाता, तो इंस्टेड ऑफ टू सब्सटीट्यूशन हम डायरेक्टली एक ही सब्सटीट्यूशन से भी नए वेरिएबल को जीरो की तरफ ला रहे हैं, तो ऐसे भी लिख लो मेथड टू, मतलब स्टेप थर्ड सब्सटीट्यूशन में दिस इज मेथड टू, ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। चलो तो कीपिंग दिस इन माइंड Now attempt this question. पहले देख लेते हैं हम indeterminate form है भी कि नहीं है। First we will look, is it indeterminate form? तो answer मिलेगा हाँ है। The reason is minus infinity पे ये तो infinity की तरफ जाएगा, क्योंकि dominating ये है, इसके हिसाब से decide होगा, वो square है तो minus और infinity का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो infinity की तरह treat होगा। So this will tend toward infinity and this will be minus infinity. So infinity minus infinity ये हमारा indeterminate form हो गया। तो क्या करें? क्या किया हमने, पहले सबसे पहले इस माइनस इंफिनिटी को हम इंफिनिटी की तरफ लेके आए। देखो कभी भी कोई भी जैसे जैसे मैंने बोला ना कि मैक्सिमम टाइम्स हम जीरो की तरफ लेके आएंगे, वो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले जब हम पढ़ लेंगे ना
तब तुम्हें लगेगा कि हाँ जीरो की तरफ लेके आए। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे पता है इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं इन्फिनिटी पे भी डील कर लेता हूँ इजिली, इससे पहले दो क्वेश्चन किए हमने। क्या बोल रहा हूँ मैं, इससे जो पहले दो क्वेश्चन किए उसमें लिमिटिंग वेरिएबल इन्फिनिटी को जा रहा था, तो मैंने बोला कि हमें इसमें जीरो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हालांकि जीरो से भी आंसर आ जाएगा, नो इशू, ठीक है, दैट यू कैन ट्राई, बट मैंने बोला इन्फिनिटी लाना बहुत है, क्योंकि इन्फिनिटी एक बार ले आए तो फिर तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ टू सब्स्टिट्यूशन आई विल सिंपली मेक वन सब्स्टिट्यूशन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। ऐसे लिख लो, लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो मुझे जो मेरा नया वेरिएबल हुआ लिमिटिंग वेरिएबल, उसकी लिमिट क्या हो गई, दैट इज द वेरिएबल इज थ्री एंड दैट विल अप्रोच टुवर्ड प्लस इन्फिनिटी। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस थ्री का स्क्वायर विच इज थ्री स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स विल बी प्लस थ्री प्लस वन एंड माइनस थ्री। अब ये प्रीवियस की तरह कन्वर्ट हो गया, अब तो क्या करना है, मैं रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और वो ए प्लस बी नीचे भी डिवाइड होगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन प्लस थ्री, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के कारण ये अंडर रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली ये कैंसिल हुआ, यू आर लेफ्ट आउट विद टी प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन प्लस थ्री, ठीक है। अब बस क्या करो, ऊपर नीचे टी से डिवाइड कर दो, तो टी से डिवाइड किया तो क्या आएगा, वन प्लस वन बाय टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय टी प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन। अब देख लो, अब टी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो दिस विल बी टेन टूवर्ड जीरो, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, तो फाइनली यू विल गेट वन अपॉन टू। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो तो वीडियो पॉज करो, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको, मैं रब कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम लिख लो, फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग बायनोमियल थ्योरम या फिर बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या लिखें टॉपिक का नाम, फाइंडिंग लिमिट्स, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो देखो, द थियरी इज, मैंने लिखा, हमने ये पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, एनी एक्स इज एनी इंडेक्स। मैंने बोला एन इज नॉट एन इंटीजर नेसेसरी, इंटीजर होता है तो फिर हम वो एनसीआर के टर्म्स में लिखते हैं एक्सपेंशन, बट मैंने बोला जरूरी नहीं एन इंटीजर हो। तो क्या होता है हमारा, ये हमने याद किया था बायनोमियल चैप्टर में, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस इज एक्सपेंशन। इस चीज का यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, क्वेश्चंस में क्या होगा तुम्हारा देखना। अब मैं लिख रहा हूं, पहले मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर एन। अब मैं आरएचएस में क्या लिखूं बताओ, वीडियो पॉज करके आरएचएस में मैं क्या लिखूं। तो देखो एक चीज है कि अगर मैं इफेक्टिव डिग्री से जाऊं, इफेक्टिव डिग्री से जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, केवल वन लिखना सफिशियंट है, बिकॉज इस अगर एक्स जीरो को जाता है तो x की जो लीस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म होती है वो हम लेते हैं डोमिनेटिंग टर्म होती है, दैट इज इफेक्टिव डिग्री। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 व्हिच इज परफेक्टली करेक्ट, दैट इज परफेक्टली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ऐसा लिखने में। बट वो हम और भी टर्म्स लिखेंगे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, कहने का मतलब अभी के लिए लिख लो, क्वेश्चन से थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। मैंने बोला इसको हम ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं या फिर एक और टर्म लिख सकते हैं या फिर एक और टर्म लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट कहां तक लिखेंगे टर्म्स वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन लूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा ये तुम्हारा कि हमें कितने टर्म्स लेने हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, इतना तो आया समझ में आया होगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर हायर पावर एक्स अगर जीरो को जाएगा तो हायर पावर वाले टर्म्स नेग्लेक्ट कर रहा हूं बेसिकली। और मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं वन के बराबर भी लिख सकता हूँ इसको, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, या फिर चार टर्म लिखूंगा या पांच टर्म लिखूंगा मैक्सिमम। देखो प्रैक्टिकली मैक्सिमम तुम्हें अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो प्रैक्टिकली तीन टर्म्स तक तुम्हें रिक्वायर्ड पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। वैसे चौथे चार टर्म की अभी तक तो मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, मतलब बना सकते हैं डेफिनेटली, दो मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन, बट
इन जनरल तुम्हें तीन टर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बहुत से में तो वन प्लस एन एक्स से ही काम चलेगा, बहुत से क्वेश्चन में तो हम पहला क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे जिसमें इन दो टर्म से काम चल जाए, फिर हम उसके बेसिस पे एक नोट लिखेंगे कि हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने लें, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको पहले कॉपी कर लो। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। तो एग्जाम्पल है, देखना अच्छे से करना है, पहले एक बार तुम ही खुद से ट्राई करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। अपॉन लेट से एक्स दिया है, ठीक है। चलो तो अब करते हैं। तो अब देखो, अब मेरा देखो रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बाइनोमियल थ्योरम की। देखो इसको इस फॉर्म में भी ऐसे लिख लो, नहीं तो लिखना है तो वन प्लस समथिंग टू द पावर एन, इधर मैं समथिंग इसलिए लिख रहा हूं, देखना द रीजन इज, अब मैं लिख रहा हूं दैट समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, दिस इज वन प्लस एन इंटू दैट समथिंग। देखो इस फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस ब्रैकेट में मुझे वो चीज जीरो को जाना चाहिए बस। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो थ्री एक्स मेरा ऑफकोर्स जीरो को जाएगा। तो इसको मैं ऐसे समझ लूं, ये एक वेरिएबल है मेरा थ्री एक्स, जस्ट ट्रीट इट लाइक इट इज अ वाई, वन प्लस वाई लिखा है। तो अब देखो वन प्लस वाई लिखा है, वन प्लस वाई की पावर एन लिखा है, तो क्या लिखूंगा वन प्लस एन वाई, मेरा इधर क्या हो जाएगा वन प्लस एन, एन हियर इज वन बाय फोर इंटू वाई, वाई मैंने किसको बोला है थ्री एक्स को, प्लस अभी सुनना अभी और एक्सपेंशन लिख लेते हैं, फिर उससे तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने लू मैं। फिर क्या लिखते हैं वन प्लस एन एक्स, फिर आता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। तो एन एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स लगे क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये टर्म सारे आते जाएंगे, ठीक है। ये तो मेरा किसका हो गया, अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको लिख लो थोड़ा सा। अब मैंने बोला ये तो मेरा इतना पार्ट हुआ वन प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाय फोर, फिर मुझे माइनस वन भी करना है अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा अब हम लिख लेते हैं प्रॉपरली, देखो ये मेरा हो गया नाइन, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं नाइन, ये मेरा टू है ही, और वन माइनस वन बाय फोर, ये दिस इज थ्री बाय फोर, तुम्हें अगले स्टेप पे लिखना है थ्री बाय फोर। तो फाइनली ये मेरा क्या बना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना, नाइन थ्री इज ट्वेंटी सेवन अपॉन थर्टी टू। तो मैं इधर फाइनली देखो लिख रहा हूं वन वन प्लस थ्री बाय फोर इंटू एक्स प्लस नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर बाय फोर सिक्सटीन टू थर्टी टू, प्लस इधर कुछ तो कॉन्स्टेंट आएगा एक्स क्यूब आएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट आएगा एक्स की पावर फोर आएगा एंड सो ऑन, ऐसा लिखा है। दिस इज वॉट एक्सपेंशन ऑफ दिस, अभी मैंने अप्रोक्सीमेट नहीं किया है, मैं अभी इतने लिख रहा हूं। द रीजन इज मुझे तुमको खुद तुमसे सोचोगे कि मेरे को कितने टर्म लिखे, कितने की जरूरत पड़ेगी, डिवाइड बाय एक्स। तो देखो ये वन से ये वन कैंसिल, अब मेरा क्या लिमिट, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। अब सोचो अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो मेरे हायर पावर वाले नेग्लेक्ट हो जाएंगे, अब डोमिनेटिंग वाला कंसेप्ट आ गया। तो इफेक्टिव डिग्री क्या है न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर इज अ पॉलीनोमियल, उसकी इफेक्टिव डिग्री इज वन, तो ये टर्म सारे कैंसिल, तो मेरा कितना बचा थ्री एक्स बाय फोर, और नीचे एक्स है तो फाइनल आंसर इज थ्री बाय फोर। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसके बेसिस पे कैन यू मेक अ थियरी, मतलब थियरी मतलब नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं हम कि हम कहां तक एक्सपेंड करें। जैसे इधर मेरा इन टर्म्स की जरूरत पड़ी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले, नहीं पड़ी। अच्छा अब ठीक है, नहीं पड़ी, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, इसमें ना एक चेंज और करता हूं फिर हम नोट लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। पहले तो मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसी में एक चेंज कर रहा हूं छोटा सा, देखना तीन चीज इसी क्वेश्चन में मैं माइन्यूट सा चेंज कर रहा हूं, उसके बेसिस पे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मेरे को कहां तक जरूरत पड़ेगी एक्सपेंड करने की। अब देख रहे तुम एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखना, फिर मैं आता हूं उस नोट पे। मैंने बोला इंस्टेड ऑफ दिस वन राइट डाउन हियर माइनस वन माइनस थ्री एक्स बाय फोर प्लस लेट से फाइव एक्स स्क्वायर। चलो ऐसा लिख लो, फाइव एक्स स्क्वायर की जगह लिख लो ट्वेंटी सेवन प्लस फाइव थर्टी टू, था ना, फाइव एक्स स्क्वायर बाय थर्टी टू लिख लो। अभी पता चलेगा मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है ना, इट विल बी क्लियर। अब तुम सेम क्वेश्चन करो, सेम सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, मैं इधर ही लिख रहा हूं,
तुम लोग वीडियो पॉज करके पहले इसको करो सॉल्व, क्या लिखोगे? ये वाला जो एक्सपेंशन है वो तो यही लिखोगे, बस अब चेंजेस कहाँ आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे इधर माइनस वन के बाद, इधर क्या आएगा माइनस थ्री एक्स बाय फोर, और इधर आएगा प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाय थर्टी टू। अच्छा प्लस की जगह मैं माइनस चेंज कर रहा हूँ इधर क्वेश्चन में, माइनस ले रहा हूँ। अच्छा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही ले लो, दिस शुड बी माइनस। हाँ अब सुनना, अब मेरा क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर मेरा क्या आएगा माइनस थ्री एक्स बाय फोर, और इधर आएगा प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाय थर्टी टू। क्लियर है? अब क्या होगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इफेक्टिव डिग्री क्या होगा न्यूमरेटर का? टू होगा, बिकॉज ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर बाय थर्टी टू, और उधर फाइव एक्स स्क्वायर बाय थर्टी टू लिखा है, तो दोनों को मिला के थर्टी टू एक्स स्क्वायर बाय थर्टी टू, मतलब एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स क्यूब वगैरह। तो अब मेरा डोमिनेटिंग टर्म क्या है ऊपर? टू। इफेक्टिव डिग्री टू है, मतलब हायर और नीचे वन है, हायर अपॉन लोअर। अगर एक्स जीरो को जाएगा तो दिस विल बी माय आंसर विल बी जीरो। अभी जो मैंने लिखा उसमें तुम्हें तीन टर्म तक एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ गई, इससे पहले वाले में दो तक जरूरत पड़ी थी। अब बनाओ थियरी इसके आधार पर नोट। तो देखो मैं लिखवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कहां तक लिखेंगे, सुन ला, कहां तक लिखेंगे, वहां तक लिखेंगे जहां तक टर्म कैंसिल हो रही है ना उससे एक ज्यादा, टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। देखो इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, ये कैंसिल हो रहा था वन, तो मैंने बोला एक ज्यादा लिख दो, तो मैंने वन प्लस थ्री एक्स बाय फोर से काम चल गया। ध्यान से सुनना, अभी मेरा ये दोनों कैंसिल हो गए तो मुझे इस टर्म की एक और जरूरत पड़ गई, तो क्या लिखूं मैं, एक्सपेंड टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। तो लिख लो इसको नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके कहां तक एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। क्लियर हुआ बच्चों? वी हैव टू एक्सपेंड दिस टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। समझ में आया होगा? अच्छा एक चीज और लिख सकते हो कि देखो हम ज्यादा लिख सकते हैं बट कम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम इसी क्वेश्चन में कम लिख देते, मान लो तुम ये 727 एक्स स्क्वायर बाय 32 नहीं लिखते, वैसे इधर तो काम चल जाता हालांकि। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट के लिए इसमें पावर टू दे रहा हूँ, एक मिनट के लिए एक चीज और समझा रहा हूँ मैं, तुम लोग एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखोगे ठीक है। मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर दिया है, अब देखना मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैंने बोला कि ठीक है अभी हमने देखा कि कहां तक एक्सपेंड करेंगे, टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। अब मैंने बोला कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा टर्म लिख सकते हो बट कम नहीं लिखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने इसमें कम लिखे होते, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कम लिखा होता, मान लो ये दोनों लिखता, मैं सुनना ध्यान से, ये दोनों लिखता, ये नहीं लिखता, मान लो एक मिनट के लिए मान लो मैंने ये नहीं लिखा होता, ये वाले टर्म्स के बाद से नहीं लिखा होता, तो मेरा ये दोनों कैंसिल हो जाते इससे, और ये बचता, और दिस अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट क्या जाती मेरी 5/32 आ जाती, लेकिन दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। द रीजन इज इधर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर आ रहा है प्लस ये, इन दोनों का हमें देखना है, तो टोटल क्या हो रहा है, 1 आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 27 प्लस 5 32/32, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और नीचे क्या है 1, तो आंसर शुड बी 1, दैट इज करेक्ट। तो इससे हमें क्या मिला, इससे क्या सीखने मिला, अभी इससे ये मिला कि ज्यादा टर्म लिख दो लेकिन कम नहीं चलेगा। अगर मान लो तुम इसमें चार टर्म लिख देते तो लिख देते कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे जाके ये नेग्लेक्ट हो जाती इफेक्टिव डिग्री से, बट कम नहीं लिखना, कम इज नॉट अलाउड। समझ में आया? और ये तो हमारा है स्टेटमेंट कि हमें कहां तक एक्सपेंड करना है, टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो वीडियो पॉज करके रिमाइंड करके देखो, एक एक चीज मैंने तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला है ठीक है ना, क्योंकि लिमिट एक ऐसा चैप्टर है ना, मतलब तुम्हारे लिए बहुत नया चीज है, मतलब क्योंकि इसमें ये सब टर्म यूज होते हैं, अप्रोचिंग, एग्जैक्ट, ये सब तुमने पहले कभी नहीं पढ़े, तो थोड़ा सा फील लाने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई मीन एक दो लेक्चर और हो जाए तो मैं 5-6 लेक्चर हमारे टोटल हो जाएंगे ना, 6-7 लेक्चर, तब तुम्हें एक्चुअल फील आ जाएगी ठीक है ना। अभी कहीं कहीं तुम्हें छोटे छोटे डाउट्स होंगे, मैं देख रहा हूँ बच्चों को कहीं ना कहीं वो कुछ कुछ ऐसे डाउट्स पूछते हैं, ठीक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डाउट सही है, बट बाद में तुम्हें लगेगा कि यार यार मैं ऐसे डाउट पूछ रहा था ठीक है। तो द रीजन इज कि ये जो लिमिट है, अभी तक जैसे फंक्शन पढ़ रहे थे वो चीज हम पहले पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत आइडिया होता है, बट ये जो चीज है ना इसमें टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, इसलिए शुरू में ऑब्जर्व करने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार फील आ गई ना लिमिट की तो गारंटी बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 3D और वेक्टर का क्वेश्चन 100% 3D का स्पेशली, नॉट वेक्टर, 3D का क्वेश्चन तो एडवांस का भी बनना ही बनना है, उसी प्रकार मैं लिमिट का गारंटी देता हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन पे
लॉजिकली ध्यान दो, 100% एडवांस का क्वेश्चन बनेगा, 100% तुम्हारा लिमिट का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 5-6 क्लास हो जाने दो, उसके बाद अपने आप चीजें और क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है? चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूं। याद रखना इस चीज को कि वी हैव टू एक्सपैंड टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। और एक और चीज क्या है, ज्यादा टर्म लिख लो बट कम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 + 2x की पावर -3 -1 + 6x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + x² -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। सुनना ध्यान से, तो पहले देखते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म है भी या नहीं है। तो रख के देखा x को 0, तो दिस इज 1 माइनस 1 0, ये 0 करेक्ट है, न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर भी ये कितना गया √4 व्हिच इज 2, तो 2 माइनस 2 0, तो डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, तो दिस इज बाय 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, ठीक है। चलो तो अब एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। अब देखना मैं इसको लिख रहा हूं पहले, तो 1 + nx, ये मेरा x का काम करेगा 2x, तो n क्या है -3 into x is 2x, क्या मैं इतना छोड़ दूं? नहीं, क्यों? जैसे आगे देखो देखो इधर 6x लिखा है, ये तो कैंसिल होने वाले हैं, तो मैंने क्या लिखा था, एक्सपेंड टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, इसका मतलब एक और टर्म लिखना पड़ेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे नेक्स्ट टर्म, n into, ये nx हो गया, फिर आता है n into n minus 1 into x square, और x की जगह क्या है 2x, तो n into n minus 1 into x square divide by 2 factorial, यहां तक चलेगा, इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट वाई टू वेस्ट टाइम। तो मैंने ये लिखा -1 + 6x अपॉन, अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, डिनोमिनेटर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो बहुत से बच्चे लोग क्या करेंगे, बहुत से बच्चे अगर मान लो तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, तो यू विल डू लाइक दैट वे, 1 + x² की पावर 1/2, फिर बोलोगे हाँ इस 4 को, जैसे बहुत से बच्चे डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे, बट जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या है, 1 + something, मैंने बोला था इस फॉर्म में याद रखना, तो मुझे इधर 1 बनाना है पहले, माय टारगेट इज टू फर्स्ट मेक इट 1, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने बोला इसको अगर 1 बनाना है तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, तो जी क्या जाएगा, 4 बाहर बन के 2 आएगा, तो 2 टाइम्स इधर क्या आएगा, 1 + x² / 4 होल पावर ऑफ, ऊपर वाली चीज देखिए, अब ये मेरा उसमें कन्वर्ट हो गया 1 + something, और जो समथिंग है वो 0 को जा रहा है, क्यों जा रहा है, बिकॉज x 0 को जा रहा है। क्लियर है? तो सुनना, अब मैं इसका एक्सपेंशन इधर लिख रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ, देखना क्या लिख रहा हूं, 1 + nx, n कितना हो जाएगा मेरा, हाफ n इंटू x, x क्या होगा x² / 4, क्या इतना सफिशियंट है, तो आंसर मिलेगा हाँ इतना सफिशियंट है, क्यों, क्योंकि आगे जाके देखो इधर मेरे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, -2 लिखा है, तो ये इसको कैंसिल करेगा, इस वाले 2 को, d2 × 1 होगा, ये तो मेरा बच जाएगा, तो दिस इज फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, इधर लिख भी लो ऐसे, एक काम करो तुम लिख लो, ये लिख लो, दिस इज मेक इट राइट इन हियर, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, हियर आल्सो राइट दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। क्लियर है? चलो अब मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रब कर आगे बढ़ता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब देखना, अब देखो ये 2 से ये 1 × 2, तो ये -2 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में मेरा क्या बचा, x² / 4, क्योंकि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो मेरा बचा x² / 4। अब न्यूमरेटर पे आते हैं, तो ये 1 से ये -1 कैंसिल, ये -6x से ये +6x कैंसिल, तो ओवरऑल ऊपर क्या आएगा x², और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो मैं लिख रहा हूं -3 × -4 = 12 हो जाएगा, 12 × 2 = 4 अपॉन दिस 2 × 2, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट का रेशो, तो ये x² से x² गया, फाइनली गेट 4 ऊपर चला जाएगा, 4 × 12 × 4 / 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना। चलो तो मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना एंड एक्सपेक्टिंग रिप्लाई, ठीक है ना। कल भी मैंने लेक्चर में बोला था, बट स्टिल मुझे आज शायद 3 या 4 लोगों ने ही
होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है, ठीक है। सो तुम लोग करो, मेहनत करो। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, दिस विल बी आवर होमवर्क क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट ऑफ 13 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2x माइनस 4। तो पहले देख लो, इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना, 3 प्लस 13 प्लस 3 16, रूट 16 इज 4, 4 माइनस 4 0, 3 टू द 6 6 प्लस 10 16, रूट 16 इज 4, 4 माइनस 4 0 तो है। चलो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। सेकंड इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड माइनस इंफिनिटी। देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। द रीजन इज, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर इधर स्क्वायर रूट होता तो मैं रैशनलाइजिंग कर देता, ये तो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगेगा। और मैं, और बिगेस्ट हिंट क्या है इस क्वेश्चन की, कि हमारा बाइनोमियल टॉपिक चल रहा है, तो ऑफकोर्स बाइनोमियल से होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसी टाइप की हिंट एग्जाम में काम नहीं आएगी, ठीक है ना, बिकॉज एग्जाम में एक साथ सारा सिलेबस आने वाला है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड ए, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0। x की ये रखोगे तो न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 है। एक्चुअली ये ना, अभी हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, इसका रिजल्ट भी याद रखेंगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है ना। ये मैंने स्टैंडर्ड नहीं बनाया, ये इन द टेक्स्ट बुक इट इज स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। तो इसका हम ऐसे बोल सकते हो कि इसका हम प्रूव कर रहे हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। चलो और एक और क्वेश्चन लिख लो, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड 1 m अपॉन x की पावर m माइनस 1 माइनस p अपॉन x की पावर p माइनस 1। सो दीज 4 विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छे से एनर्जी देके करना है, ठीक है ना, लेतलागी नहीं करनी है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़े ज्यादा बच्चे मुझे रिप्लाई दे, ठीक है ना, एक्सेप्ट अभी शायद मुझे लगता है किस किसने रिप्लाई दिया था, आई विल नेम इट, शायद निर्भय ने दिया था, प्रतीक्षा रिप्लाइड मी आई थिंक, और मनस्वी ने रिप्लाई दिया था, और एक दो लोग और थे, ठीक है ना, उनके अलावा मुझे लगता है किसी और ने नहीं दिया। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है रिप्लाई देना है नहीं देना है, वो तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इट इज फॉर योर बेनिफिट, नॉट फॉर माई। चलो फ्रेंड, यहीं एंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।